इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीओबी ऐप के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है इनवैलिड ट्रांजैक्शन पिन, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप यहां पर इनवैलिड ट्रांजैक्शन पिन दिखाता है तो ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इसकी दो कंडीशन है। एक तो जब आप लॉग आउट होते हैं, मतलब कि लॉग इन नहीं करे हुए होते हैं, तब आपको ये दिक्कत आती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। और एक जब आप यहाँ पर लॉगिन होते हुए होते हैं, तो जब आप लॉगिन हुए हुए होते हैं तो प्रोफाइल में आप चले जाइए सिंपली, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको चेंज ट्रांजैक्शन पिन ये वाला यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हो कि आप यहाँ पर जब लॉगिन ही ना हो तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पर नेट बैंकिंग वगैरह से करनी पड़ेगी। आपको सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखा दिए जाएंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से करनी है, ये अपनी जो है पिन को फॉरगेट करना है। बेसिकली ये फॉरगेट करना होता है, एटीएम से भी हो जाता है यहाँ पर, और आप यहाँ पर एटीएम से इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, बेस्ट तरीका लगता है, बैंक ब्रांचेस से जाकर आप बैंक ब्रांच से जाकर इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन तब यहाँ पर कर सकते हैं जब इन दोनों से, तब आप कर सकते हैं जब आपको अटेम्प्ट्स आपके बचे हुए हों। लेकिन जब आपने अटेम्प्ट्स पूरे कर दिए हों तो आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस फिर हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।